जब कोई जनरेशन यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलती है तो तकरीबन 30 साल के बाद जब वो लोग 50 साल के आसपास की उम्र में पहुंचते हैं तब वो समाज में किसी महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में पहुंचते हैं। तो आप सोचिए कितना लंबा प्लान था कि किस प्रकार से चीजों को लाना और फिर धीरे 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 हमारे दिमाग में यह भर देना कि आपका सब कुछ गलत था, आपको कुछ भी नहीं पता था, आप मूर्ख थे, आप अज्ञानी थे, और फिर उस विचार को स्थापित करके जिसे हम कहेंगे कि जो उन्होंने सोचा था मानसिक गुलामी, तब जाके स्थापित। और दुर्भाग्य यह कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता के बाद तो हमें इन चीजों से बाहर आ जाना चाहिए था, पर अफसोस उसके बाद हमने मार्क्सवादियों को सारा आउटसोर्स कर दिया, तो उन्होंने उस चीज को और जितना दबा सकते थे उतना दबाने का कार्य किया और परिस्थितियां एकदम उलट हो गई। अब उदाहरण के लिए आप में से बहुत से लोगों को चाहे ध्यान हो अथवा न ध्यान हो कि देश को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, परंतु नेहरू जी क्या 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने थे? वो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन गए थे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। 2 सितंबर को ही क्यों बने थे? 2 सितंबर की डेट हमने तय की थी क्या? नहीं, ये लॉर्ड वेवल ने तय की थी। क्यों तय की थी? आप सोचिए कैसी चीजें हमारे दिमाग में स्थापित की गई अनकॉन्शियसली और हमें पता ही नहीं है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है और हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा है, उसके बाद जापान टूट गया और 2 सितंबर 1945 को जापान के सम्राट ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण की संधि पर हस्ताक्षर किए। क्योंकि वो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी 2 सितंबर 1946, इसलिए यह बात डेमिनिक लेपरेर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में लिखी हुई है कि अंग्रेजों का आग्रह था कि इसी दिन भारत की अंतरिम सरकार शपथ देनी चाहिए, बिकॉज दिस डे सिंबलाइजेज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ऑन एशिया। तो आप सोचिए कि किस ढंग से आजादी, और 15 अगस्त 1947 को तो हम आजाद हो गए। वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल माउंटबेटन। भारत की सेना का चीफ कौन था? जनरल रॉय बुचर। भारत की एयरफोर्स का चीफ कौन था? एल्महर्स्ट। भारत की नौसेना का चीफ भी अंग्रेज था। भारत की आईबी का चीफ भी अंग्रेज था। तो ये क्या था भाई? और अंग्रेजों ने हमारी आजादी की डेट 30 जून 1948 तय की थी, ये 15 अगस्त 1947 क्यों हो गई? 30 जून 1948 तक माउंटबेटन वाइसराय रहे। उन्होंने जो तय किया था वो वहां तक रहे। और अगर ये माना जाए कि कुछ छूट गया था, कुछ अधूरा रह गया था, तो हम तब मानते कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी वही रहा होता, तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बने जिन्ना और भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन। ये बात तर्कसंगत लगती है क्या? इसलिए अब मैं कहना चाहता हूं, बहुत सी जो बात द गार्डियन ने लिखी वो हवा में नहीं लिखी थी। ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रभाव कितना गहरा था, उदाहरण याद करिए, अटल जी की सरकार आने से पहले थे, हमारा बजट शाम को 5 बजे आता था। क्यों? शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत होने का क्या तर्क था? इसलिए कि इंग्लैंड में 11 बजे होते थे, 11:30। इसलिए ब्रिटिश टाइम से यह परंपरा थी कि भारत में बजट शाम को 5 बजे आएगा, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में 11:30 बजे होते थे। और हम आजादी के बाद 50 साल तक उस परंपरा का निर्वहन किया। अटल जी की सरकार आने के बाद चेंज हुआ कि सवेरे 11 बजे बजट आएगा, और मोदी जी की सरकार आने के बाद चेंज हुआ कि अब 28 फरवरी को नहीं आता है, अब जनवरी के अंत में या 1 फरवरी को आता है। क्यों? अरे भाई, आपके यहां बर्फ जमी रहती थी तो आपके यहां मार्च से पहले कोई चीज बाहर आने या बोलने लायक नहीं रहती थी। हमारे यहां तो उल्टा है, हमारे यहां तो जून में मानसून सीजन आ जाता है। तो हमारे लिए तो यह आवश्यक है कि बजट का आवंटन यदि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक हो जाए तो जब तक मानसून आएगा तब तक कम से कम उस धन का वितरण जहां जहां पे पहुंचना वहां तक पहुंच जाए, इसलिए मोदी जी की सरकार ने वो चेंज किया। आप ये सोचिए ना कि गुलामी की मानसिकता किस सीमा तक हमारे दिमाग में रखी गई थी। और इतना ही नहीं, अभी याद करिए जब नया संसद भवन बना तो उसके ऊपर जो भारत का राजकीय चिन्ह के शेर थे, तो कई लोग चले गए थे कोर्ट में
ये शेयर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, मतलब इनको शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे और वो भी भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। बस अंतर यह है कि जब से ये शेर शेर दिखने लगे हैं तब से दुनिया में हमारा माहौल बदल गया है। क्या बदला है? जब तक वो शेर आक्रामक नहीं दिख रहे थे तो जानते क्या था, दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई हो या मोहल्ले की लड़ाई हो, हमेशा यह होता है कि बड़ा और ताकतवर छोटे और कमजोर को सताता है और छोटा और कमजोर जाके शिकायत करता है ये बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। मगर हम एक ऐसे विचित्र देश थे कि 1947 ऑनवर्ड्स हमारा पड़ोसी जो हम ही से अलग हुआ था वो हमसे छोटा था, हमसे कमजोर था, हम बड़े और ताकतवर थे, वो हमें सताता था, हम जाके सिर्फ दुनिया में चिल्लाते थे। मगर जब से ये शेर शेर दिखने लगे हैं तब से वो जाके कहता है कि भारत आंख दिखा रहा है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप सबको वो वीडियो याद होगा कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के एक सांसद पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जी का रेफरेंस देते हुए कह रहे हैं कि मीटिंग में मैं आया, शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, उसको कहते हैं आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है कि शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो नहीं तो इंडिया अटैक कर देगा। आप इमेजिन करिए कि ये हाल तो कभी 71 में भी सुनने को नहीं मिला होगा कि आर्मी चीफ के और विदेश मंत्री के पांव कांप रहे हो, और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दिया गया बयान है, प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस का हिस्सा है। यह बदलाव आया और उस समय पाकिस्तान ने तो यह भी सोचा था कि वह एटॉमिक कुछ करेगा, ऐसा अमेरिका के विदेश मंत्री ने बात कही है। तो सोचिए कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों में से किस प्रकार के निकलकर आने में सफल हुए हैं। मगर यह षड्यंत्र सिर्फ यहां तक नहीं है, अभी चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की बात आती है। तो आप याद करिए पिछले कुछ वर्षों में हमने चीन को किस जंग से डील किया। एक उदाहरण देना चाहता हूं, हम सभी मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं। 2014 से पहले दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल हैंडसेट का कंज्यूमर था चाइना और नंबर दो पे थे हम, पर प्रोड्यूसर हम जानते क्या थे, केवल दो फैक्ट्रियां थी हमारे यहां मोबाइल हैंडसेट बनाने की। अब सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर भी हम हैं और सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हम हैं, 200 से ऊपर फैक्ट्रियां हैं इस समय मोबाइल हैंडसेट बनाने की। और दुनिया में मोबाइल बनाने की जो सबसे बड़ी कंपनी है सैमसंग, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास गुरुग्राम में है। और एप्पल फोन की फैक्ट्री पहली बार चाइना से शिफ्ट होकर भारत आई और बेंगलुरु के पास बनी। 25% एप्पल के फोन आईफोन 14 इस बार पहली बार भारत में बने हैं और 21 अरब से अधिक के स्मार्टफोन्स का हमने निर्यात किया है। अगर आपने एक बात कभी ध्यान दी, बेंगलोर में एप्पल की फैक्ट्री में 2 साल पहले हड़ताल भी होती है, तोड़फोड़ भी होती है, मतलब हड़ताल ही नहीं तोड़फोड़ होती है जिसमें करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है। क्यों भाई एप्पल की फैक्ट्री में क्यों? क्योंकि वो चाइना से शिफ्ट होकर आई है। ये सिर्फ फूड फॉर थॉट दे रहा हूं आप लोगों को कि सोचिए कि यह षड्यंत्र किस सीमा तक गहरा है और कहां कहां तक देश को कंट्रोल करने और देश को डैमेज करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि देश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए किस प्रकार के प्रयास होते हैं। दूसरी तरफ हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं कुछ नई चीजों में। एक और चीज हम आपको बात बताते हैं जिसमें हमने चीन से आगे बाजी मारने में सफलता हासिल की।